प्रेजेंट बाय डीएससी लाइव कवरेज। रानी भवानी ने सवाई भोज महाराज को बचन में बांध लिया। कहने लगी कि मतवाड़ा और ये चंद्रवती जो तलवार है ये नहीं चलाओ, और सब भाई ओमकार एक साथ युद्ध करने के लिए नहीं पधारोगे, और अगर आप 24 भाई अगर युद्ध में मैंने सबको साथ में देख लिया तो मैं मस्तक मांगू तो आपको काट करके देना पड़ेगा। सवाई भोज ने कहा मंजूर है। भवानी फिर भी कह रही कि आज सोच लेना, नहीं तो मुझे मेरे पीहर छोड़ दो, नहीं तो राण में छोड़ दो, और नहीं तो फिर जिस दिन आपने ये चंद्रवती तलवार चलाओगे या सब भाई एक साथ युद्ध करने जाओगे तो मैं मस्तक मांगूंगा। सवाई भोज ने कहा मंजूर है। रानी भवानी कहने लगे एक भाई के कहने से क्या होगा, आप सब भाई बोलो तब मैं जानूंगी कि हाँ सब भाई ने वचन प्रण किया है। इतने में जो सबसे छोटा भाई था वो कहने लगा कि हमारे में ऐसा है कि अगर एक भाई वचन दे देता है तो मर मिटने के लिए हम सब तैयार हैं। सब भाई मंजूर है कि हाँ मंजूर है। जगदम्बा भवानी ने विचार किया कि ठीक है, मैंने भी इसीलिए उतार लिया है कि आपकी मुंड की माला पहनूंगी। सवाई भोज ने फिर कहा कि रानी आपने रानी भवानी हमें तो वचन में बांध लिया, बाकी आप 6 महीने तक राणा जी के घर रही, अब आपका भी हम सत्य देखना चाहते हैं। रानी जगदम्बा भवानी कहने लगी कि यहां से राण नगर का महल के ऊपर दीपक जल रही हो कि हाँ जल रही हो, आप कहो दिख रही हो दीपक, आप कहां दिख रही हो, अगर आप सब पगड़ावत कहो तो यहां से उस दीपक को बुझ ही दूं और आपको तो 2 बत्ती लगाई गई। एक भाई बोलियो के बुझा दे देखा, इतना में छोटो भाई बोलियो के अब दीपक बुझाए तो कह रहे या तो अपने सबके बुझा भाई है, क्योंकि इनने अपने वचन में तो बांध ही लिया। रानी भवानी को वहां से लेकर के बगड़ावत घर पहुंचे, माता साडू ने आरती उतारी क्योंकि माता साडू के पता था कि ये जगदम्बा भवानी ही मेरे कुल को बैकुंठ में छोड़ेगी, और जैसे ही बगड़ावत बैकुंठ सिधार जाएंगे जिनके बाद में कमल के फूल में भगवान मेरी गोद में पधारेंगे। जय हो। राण के राजा को मालूम हुआ, राण के राजा ने फौजा तैयार करी, गोठा नगरी के तरफ फौज लेकर के जाने लगे। तो ध्यान रहे, जैसे ही जब फौज लेकर के गए तो सबसे पहले सवाई भोज की बेटी थी जिसका नाम था दीप कुंवर बाई, उसको रायला गांव में परनाई थी। रायला दीप कुंवर की ससुराल थी, आज भी रायला गांव में दीप कुंवर बाई का मंदिर है। सवाई भोज की बेटी 3.5 दिन तक इनसे लड़ी, आखिरी में मां आदिशक्ति जगदम्बा भवानी ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, भगवान कृष्ण से मांग के लाए। देखो जो है समय व्यतीत हुआ, वहां से फौज रवाना हुई, चलती चलती खारी नदी के किनारे आई। नया जी के 2 पुत्र थे, एक 11 वर्ष का एक 13 वर्ष का, जगा और जगरू। दोनों भाई के भी मस्तक, वो भी बहुत भारत लड़े, आखिरी में ये जगदम्ब भवानी पहुंची। इसने दोनों भाई से मस्तक मांग लिए, उन्होंने दोनों भाई ने मस्तक काट करके आदो शक्ति को अर्पण कर दिए। तब नया जी को मालूम हुआ, नया जी ने 15 दिन तक युद्ध किया,
अमृत का घोड़ा को भेद नया जी ने अपनी पत्नी के बताई दियो तो अमृत को घोड़ो नहीं जगदम्बा भवानी ने विध्वंस करा दियो। आखिरी में सब बगड़ावत रण भारत में पहुंचे, सब बगड़ावत जब रण भारत में पहुंचे तो ये जग तो ये जगदम्बा भवानी भी उनके साथ में भारत में पहुंच गई। ध्यान दीजिएगा कथा पर यहाँ कि बगड़ावतों ने मस्तक काट करके क्यों दिए थे, क्योंकि पहला वचन हुआ था इनको। भवानी भी भारत में पहुंची, सवाई भोज ने जैसे ही चंद्रवती तलवार निकाली और कहने लगी सवाई भोज महाराज आप आपका वचन हार गए हो, आपने मेरे से कहा था कि मैं चंद्रवती तलवार नहीं चलाऊंगा, आज ये तलवार चला रहे हो और सब भाई एकत्रित होकर के युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गए हो। सवाई भोज महाराज ने कहा बात तो सही है, मैं मेरा वचन कि थोड़ा विरुद्ध चला गया हूं, कि फिर आप और हमें ये बात हुई थी कि जिस दिन ये तलवार चलाएंगे और हम सब भाई युद्ध करेंगे तो मैं आपसे मस्तक मांगूंगी तो आपको काट करके देना पड़ेगा। सवाई भोज महाराज ने कहा बात सही है, बाकी जो वचन भोज ने जीवन में किया है उससे कभी पीछे पांव नहीं दिया है। भवानी हम जितने भाई ने तेरे सामने प्रण और वचन किया था हम सभी तेरे को शीश देने के लिए तैयार हैं। सवाई भोज महाराज ने अपने मस्तक काटी के और जगदम्बा भवानी के सामने समर्पित कर दियो। ऐसे ऐसे जति सूरमा रहे हैं। अब शीश काट करके महामाया को जब समर्पित किया, ध्यान रहे वो धड़ आज भी भीलवाड़ा जिले के आशिंद गांव में, आशिंद के कांकड़ के ऊपर सवाई भोज महाराज की मूर्ति के रूप में विराजमान है, जो अंतरराष्ट्रीय मंदिर श्री सवाई भोज आशिंद कहा गया है। सवाई भोज महाराज के दर्शन के लिए लाखों भक्त जाते हैं। ऐसे करता करता 23 भाई ने मस्तक काट करके दे दिया। कोई उंगली काट के नहीं दे, साहब उन्होंने माथा काट के दे दिया। कोई उंगली काट के नहीं दे सके, वणा ने माथा काट के दे दिया। जननी जने ऐसा जनजेर के दाता के सूर, नी तो रीजे मायण बांजड़ी मत गमाजे तन को नूर। बगड़ावता का अमर नाम है, उड़ गए फूल रह गई उनके नाम की वासना और रह गए 24 ही बगड़ावत के नाम। 24वां भाई आया, यहां एक कथा में से फिर कथा निकलेगी, ध्यान दीजिएगा। 24वां भाई जो बड़ा ही बड़ा तेज रावत था, तेजा जी आया और कहने लगा कि भवानी अब शीश ये मस्तक मेरा भी लेना होगा, क्योंकि मेरे भाई जैसी भीड़ अब समाप्त हो गई, मैं जीर नहीं करूं। आदो शक्ति ने कहा कि जिस दिन मुझे ये सब बगड़ावत लेने आए थे उस दिन आप लेने नहीं आए थे, जिस दिन इन्होंने वचन किया उस दिन आप नहीं थे, अब मैं आपका मस्तक नहीं लूंगी। और यूं भी मैंने 24 मस्तक की बात करी थी, एक दीप कुंवर का शीश ले लिया, दो जगह जगरूप का, और अब आपका शीश मैं नहीं ले सकती, क्योंकि 23 भाई तो ही और दो जगह जगरूप, 23 दो 25 और एक दीप कमल, मैंने 26 शीश ले लिए हैं, अब मैं 27वां शीश नहीं ले सकती, क्योंकि मैं बैकुंठपुरी में 24 बगड़ावत का माथा की बात करके आया थे, बाकी कहीं ना कहीं आपका शीश छूट गया, अब मैं आपका मस्तक नहीं ले सकती। तेज रावत को मालूम थी कि ये स्वयं जगदम्बा भवानी है। तेज रावत ने उस समय कहा कि फिर मेरा उद्धार कब होगा ये जगदम्बा भवानी,
तो भवानी ने क्या कहा था कि इसी कलयुग में अभी तो आप गुजर के घर तेजाजी हो, बाकी वापस आपका ये शरीर छूटेगा, जिसके बाद में आपका जाटों के वंश में तेजाजी के नाम से वापस आपको अवतार देगा। जिस प्रकार ये तेवीस भाई की महिमा ये आशीष की धरती पे पुजाएगा, आप चौबीस की मूर्ति खरनाल सुरसुरा में तेजाजी के नाम से पुजाएगा। आ रहा ना समझ? जाटा घरे अवतार लोगा, धोलिया आपकी साग रेगा और वहां आपको तेजोजी पाछो नाम रेगा, और मैं बनूंगी लाचा गुजरी तो मेरी गायों को लेने के लिए आप मीना चोर के पास में जाओगा। जिस नागराज की फण के ऊपर आपने दारू ढोलियो थो, वही नागराज आपको रास्ते में मिलेगा, और वही नागराज जलती आग से आप बचाना, वो भाला की नोक के ऊपर निकाल करके, और वही नागराज आपको कहेगा कि मेरी मुक्ति हो रही थी, बाकी मेरी मुक्ति के समय में मुझे जलती आग से क्यों बचाया। तब वो नागराज कहेगा कि तेजाजी मैं तेरे को डसूंगा, आप मना मत करना, आपकी जीवनली में कालो नाग डसेगा, और अभी तो खाली आप तेजाजी हो, बाकी वहां कलयुग में सत्य वीर तेजाजी के नाम से पूजा होगा। जय हो। सत्यवीर तेजाजी महाराज की जय। और वास्तविक बात साहब, पूजा ही रहे कि नहीं पूजा ही रहे? आज तक पूजा रहे हैं। रूणी जा धरती में बाबू राम देव पूजावे। जय हो। राजस्थान की धरती के ऊपर एक ही रूट ऐसा है कि एक रूट में कितनी जाया दर्शन, रामदेव राजाओ, पुष्कर आओ, मीराबाई का मेड़ता जाओ, करनाल सुरसुरा का दर्शन करो, पुष्कर राज से फिर निकलो, देमाली माला सरस्वाई भोज,